गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय सेल्फ जनसारी किशोर। टुडे आई विल टीच इंग्लिश ग्रामर। द नेम ऑफ द टॉपिक चेंज एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। तो असर्टिव सेंटेंस को अगर एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट एंड हाउ। तो सेंटेंस आपका व्हाट और हाउ से स्टार्ट होगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत व्हाट और हाउ से होती है। अभी व्हाट कब यूज़ होगा और हाउ कब यूज़ होगा, ओके। यहाँ बोला कि सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट एंड हाउ, सेंटेंस की शुरुआत व्हाट और हाउ से करनी, लेकिन व्हाट कब यूज़ करेंगे और हाउ कब यूज़ करेंगे, उसके लिए एक नोट दी है। नोट में लिखा है कि इफ़ द सेंटेंस हैज आर्टिकल ए और एन, अगर सेंटेंस में आपको आर्टिकल ए और एन दिया है देन सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, व्हाट से स्टार्ट होगा। फिर से रिपीट करता हूँ कि नोट क्या दिए है कि भाई अगर आपके सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया है, ए और एन, तो वो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से होगी। अदरवाइज सेंटेंस स्टार्ट विथ हाउ, अदरवाइज यानी वरना, अगर ये नहीं दिया है आर्टिकल ए और एन दिया है तो व्हाट से स्टार्ट होगा, अगर ये आर्टिकल ए और एन नहीं दिया है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, हाउ से होगी। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हम जो ये कर रहे हैं वो असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, यानी असर्टिव जो सेंटेंस दिया है उसको हमें एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बोला है कि सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट एंड हाउ। तो असर्टिव से अगर एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से होगी। अभी व्हाट से कब होगी और हाउ से कब होगी, तो उसके लिए एक नोट दी है कि इफ़ द सेंटेंस हैज़ आर्टिकल ए और एन देन सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट। अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया है तो सेंटेंस की स्टार्ट होगी व्हाट से, अदरवाइज सेंटेंस स्टार्ट विथ हाउ, अदरवाइज यानी वरना, अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया है तो शुरुआत व्हाट से होगी, अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन नहीं दिया है तब हमें सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है, हाउ से करनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी हैव टू रिमूव वेरी रियली और इंडीड फ्रॉम द सेंटेंस। ये जो असर्टिव सेंटेंस में से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो असर्टिव जो सेंटेंस है उसमें वेरी रियली इंडीड ऐसे वर्ड दिए होंगे, तीन वर्ड बोले, वेरी रियली और इंडीड, तो ये वर्ड दिए होंगे, उसको रिमूव करने निकाल देना है। तो जब हम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टर्न करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में जो वेरी रियली और इंडीड वर्ड दिए हैं वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट दिया है कि एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट एक्सक्लेमेटरी साइन। ये जो सेंटेंस है हम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में टर्न कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक पहचान है कि सेंटेंस के एंड में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो हमें ये जब सेंटेंस को असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में टर्न करेंगे तो सेंटेंस के एंड में हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन ये रखना है। ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो हमने सेंटेंस को असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में टर्न करना है तो कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले असर्टिव टू हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टर्न करना है तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट और हाउ से होगी। ओके, सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट एंड हाउ, तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट और हाउ से होगी। अभी उसमें नॉट दिया है, नॉट क्या है कि इफ द सेंटेंस हैज आर्टिकल ए और एन, अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, व्हाट से। ओके, अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया है तो शुरुआत किससे होगी, व्हाट से। ओके, अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन नहीं दिया है,
पहले हमने बोला कि ए और एन, आर्टिकल ए और एन दिया है, दिया है तो व्हाट से होगी, अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो किससे होगी, हाउ से होगी। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट और हाउ से होगी। उसका रूल्स है कि सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया है तो व्हाट से होगी, अगर आर्टिकल ए और एन नहीं दिया है तो हाउ से होगी। ओके, नाउ गो अहेड। कभी दिया है कि असर्टिव जो सेंटेंस है उसको एक्सक्लेमेटरी में जब टर्न करना है तो असर्टिव सेंटेंस में हमें वेरी, रियली और इंडीड ऐसे वर्ड दिए होंगे। क्या दिया होगा, वेरी, रियली और इंडीड ऐसे वर्ड दिए होंगे, वो हमें रिमूव करना, रिमूव नहीं, निकाल देना है। तो जब हम सेंटेंस को असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में टर्न करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में वेरी, रियली, इंडीड ऐसे वर्ड दिए हो गए वो हमें क्या करना है, रिमूव करनी, यानी निकाल देने हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट एक्सक्लेमेटरी साइन। अभी एंड ऑफ द सेंटेंस हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन लिखनी है। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी साइन क्या करनी है, रखनी है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी साइन हमें मेंशन करता है कि दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। ओके, अभी हमें नेक्स्ट है कि एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ये जो आगे सीखा हमने क्या सीखा, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। अभी सीखना है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, कि अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो उसको असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें है सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट। ओके, आगे हमने देखा कि भाई असर्टिव टू हम जब एक्सक्लेमेटरी कर रहे थे तो सेंटेंस की शुरुआत व्हाट और हाउ से कर रहे थे, लेकिन ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है दैट मीन्स वो सेंटेंस में ऑलरेडी व्हाट और हाउ दिया ही होगा, तो हमें क्या करना है, सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, हमें सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया ही होगा, वो सब्जेक्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करके हमें क्या करनी है, स्टार्टिंग में लिखना है। ओके, फिर से देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव जब करना है तो हमें सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है। आगे हमने देखा कि असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी करना था तो सेंटेंस की शुरुआत हम व्हाट और हाउ से करते थे। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है दैट मीन्स ये सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, व्हाट और हाउ से होगी ही, तो हमें उसको क्या करना है, सेंटेंस की शुरुआत अभी हमें सब्जेक्ट से करनी है। ओके, नाउ सी, वी हैव टू पुट वेरी, रियली एंड इंडीड। अभी आगे हमने देखा था कि जब हम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी कर रहे थे तो सेंटेंस में से वेरी, रियली और इंडीड वर्ड हमने निकाल दिया था, लेकिन अभी हम उल्टा करें कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा, यानी उसमें वेरी, रियली, इंडीड ऑलरेडी निकला हुआ है, उसमें होगा नहीं। तो जब हम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस तो हमें उसमें वेरी, रियली और इंडीड वर्ड हमें रखना है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि हम यहाँ पर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव कर रहे हैं तो हमें असर्टिव वाले सेंटेंस में क्या करना है, वेरी, रियली और इंडीड कोई एक वर्ड हमें क्या करना है, रखना है। नेक्स्ट है, वी हैव टू रिमूव व्हाट एंड हाउ फ्रॉम द सेंटेंस। अभी देखो आगे हमने ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मैंने बोला कि उसकी शुरुआत किससे होगी, व्हाट और हाउ से होगी, तो हमें क्या करना है, शुरुआत हमने सब्जेक्ट से की तो ये व्हाट और हाउ हमको क्या करना है, सेंटेंस में से निकाल देना है। सेंटेंस में हो गए उसको क्या करना है, निकाल देना है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई एंड ऑफ द सेंटेंस क्या होएगा, फुल स्टॉप होएगा। नेक्स्ट क्या दिया है कि पुट फुल स्टॉप, पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड सेंटेंस के एंड में हमें क्या करना है, फुल स्टॉप रखना है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है तो उसके फोर रूल्स है। फर्स्ट है सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी है, सब्जेक्ट से करनी है। दूसरा क्या करना है कि वी हैव टू पुट, हमें सेंटेंस में क्या रखना है, वेरी, रियली और इंडीड, ये सेंटेंस में हमें क्या करना है, रखना है। और नेक्स्ट है वी हैव टू रिमूव व्हाट एंड हाउ फ्रॉम द सेंटेंस, हमें सेंटेंस में से व्हाट और हाउ को क्या करना है, निकाल देना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है
कि सेंटेंस के एंड में ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसके एंड में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन होगी। लेकिन हमें अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना है, तो एंड ऑफ द सेंटेंस हमें क्या करना है, फुल स्टॉप रखना है। नाउ सी द एग्जांपल। एग्जांपल किसके, तो सबसे पहले असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंस असर्टिव है उसको एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट, द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। ये आर्टिकल में, ये जो सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है तो किससे स्टार्ट हुआ, हाउ से। तो हाउ द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और लास्ट में क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट है, आई गॉट मिक्सचर अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। इसमें भी आर्टिकल नहीं है तो उसकी भी शुरुआत किससे हुई, हाउ से। तो हाउ आई गॉट मिक्सचर अप ऑन द फर्स्ट वर्ड और एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो ये हार्ड टाइम यानी दुख की बात है, तो क्या हुआ, अलास। अलास रख सकते हैं और रख सकते हैं क्योंकि दुख के वर्ड से, तो अलास ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसके बाद है, गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड। तो ये दुख की बात है कि अलास, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट, आई वॉज फ्राइटन। तो हाउ फ्राइटन आई वॉज, आई वॉज फ्राइटन क्या किया, क्या हाउ फ्राइटन आई वॉज। तो ये जो सेंटेंस थे वो हमारे असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी के थे। अभी दूसरे जो एग्जाम्पल हैं वो एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव है। ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, उसको क्या करना है, असर्टिव में टर्न करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि हाउ पैनिकी आई ग्रू, तो आंसर है आई ग्रू पैनिकी, या वेरी वर्ड यूज़ करना है तो वेरी वर्ड यूज़ कर सकते हो कि आई ग्रू वेरी पैनिकी, आई ग्रू रियली पैनिकी। ओके, वेरी रियली इंडीड कोई भी वर्ड आपको लगाना है तो लगा सकते हो। नेक्स्ट, अलास आई हैड लॉस्ट ऑल माय ब्रीथ। अलास यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, यानी उसको हमें क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी टू वी हैव टू टर्न इन टू असर्टिव। तो अलास आई हैड लॉस्ट ऑल माय ब्रीथ, तो आंसर है आई हैड लॉस्ट ऑल माय ब्रीथ, आई हैड लॉस्ट ऑल माय ब्रीथ। ओके, नेक्स्ट है, हाउ माय लंग्स एच्ड, एच यानी पेन होना, तो हाउ माय लंग्स एच्ड, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो आंसर है माय लंग्स एच्ड, माय लंग्स एच्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट है, हाउ आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, हाउ आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर। ओके, तो आंसर है आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, ये हाउ वर्ड निकल जाएगा, आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, आई वॉज रियली श्रिंकिंग अंडर वाटर, आई वॉज वेरी श्रिंकिंग अंडर वाटर। ओके, तो वेरी इंडीड ये जो वर्ड लगा रहे तो लगा सकते हो। नेक्स्ट, अलास देर वॉज नो मोर पैनिक, अलास देर वॉज नो मोर पैनिक, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको असर्टिव में टर्न करना है। तो आंसर हो गया देर वॉज नो मोर पैनिक, आंसर क्या क्या, देर वॉज नो मोर पैनिक। ओके, अभी एक बार ये जो एग्जाम्पल से दोनों को एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, जिसमें दिया है फर्स्ट द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड, तो आंसर है हाउ द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स। सेकंड है, आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, आंसर है हाउ आई गॉट मिक्सड अप
ऑन द फर्स्ट वर्ड्स. नेक्स्ट है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. तो आंसर है अलास, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. नेक्स्ट है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड. तो आंसर है अलास, गार्बेज टू देम इज गोल्ड. नेक्स्ट, आई वॉज फ्राइटन. तो आंसर है हाउ फ्राइटन आई वॉज. नेक्स्ट जो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव के हाउ पैनिकी आई ग्रू. तो आई ग्रू पैनिकी, आई ग्रू वेरी पैनिकी, आई ग्रू इंडीड पैनिकी, आई ग्रू रियली पैनिकी. ओके, अलास आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ. तो आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ. हाउ माई लंग्स एच्ड, माई लंग्स एच्ड. हाउ आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर. तो आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर. अलास देर वॉज नो मोर पैनिक. तो देर वॉज नो मोर पैनिक, अलास निकल जाएगा, देर वॉज नो मोर पैनिक. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. जो फर्स्ट हमें एक्सरसाइज है, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी. हम पहले करेंगे असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, रूल्स भी मैंने पहले वही लिखाया था, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करने का. उसके बाद जो एग्जाम्पल थे वो भी पहले यही थे, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी. अभी उसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, कि असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी. ओके, मैंने जो रूल्स लिखवाए थे कि असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, व्हाट और हाउ से होगी. व्हाट कब आएगा वो भी मैंने बोला था, कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया है तो शुरुआत व्हाट से होगी. अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन नहीं दिया है तो शुरुआत हाउ से होगी. ओके, उसके बाद सेंटेंस में हमें वेरी रियली और इंडीड वर्ड निकाल देने हैं, और एंड ऑफ द सेंटेंस हमें एक्सक्लेमेटरी साइन रखना है. तो ये सब जो रूल्स है उसको फॉलो अप करते हुए हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है. तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, द फिल्म्स ऑफ वी शांताराम आर वेरी एन्जॉयबल. द फिल्म्स ऑफ वी शांताराम आर वेरी एन्जॉयबल. तो आंसर है हाउ एन्जॉयबल. ओके, यहाँ पर आर्टिकल नहीं दिया है तो सेंटेंसेस हमने स्टार्ट किया है हाउ से. तो हाउ एन्जॉयबल द फिल्म्स ऑफ वी शांताराम आर, एक्सक्लेमेटरी साइन. फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है कि द फिल्म्स ऑफ वी शांताराम आर वेरी एन्जॉयबल, ये सेंटेंस में कहीं पर भी आर्टिकल है नहीं. तो आर्टिकल नहीं है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, हाउ. तो हाउ एन्जॉयबल द फिल्म्स ऑफ वी शांताराम आर. नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट वॉज इंडीड अ ग्लोरियस मैच. इट वॉज इंडीड अ ग्लोरियस मैच. ये जो सेंटेंस है उसमें भी आर्टिकल इट वॉज इंडीड अ ग्लोरियस, आर्टिकल ए दिया है. इट वॉज इंडीड अ ग्लोरियस मैच, आर्टिकल ए दिया है तो शुरुआत किससे होगी, व्हाट से. ओके, अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन दिया है तो शुरुआत व्हाट से होती है. अगर सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन नहीं दिया है तो शुरुआत हाउ से होती है. तो इसमें आर्टिकल दिया है तो शुरुआत व्हाट से होगी. तो आंसर होगा व्हाट अ ग्लोरियस मैच इट वॉज. व्हाट अ ग्लोरियस मैच इट वॉज, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, कि द डे ऑफ स्कूल वेर वेरी हैप्पी. द डे ऑफ स्कूल वेर वेरी हैप्पी. ये जो सेंटेंस है उसमें भी आर्टिकल ए और एन नहीं दिया है. ओके, जो सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन नहीं दिया है उसकी शुरुआत होगी हाउ से. ओके, तो आर्टिकल कहाँ से हो, देखो हाउ, और जहाँ से वेरी रियली और इंडीड वर्ड दिया है वहाँ से ही हमें क्या करना है, आगे का वर्ड लेना है. जैसे हाउ तो ले लिया, हाउ तो स्टार्टिंग से, अभी हाउ के बाद क्या आएगा, तो ये जो वेरी तो निकल जाएगा, उसके बाद कौन सा है, हैप्पी. तो हमने लिया हाउ हैप्पी. हैप्पी के बाद अगर कोई दूसरा सेंटेंस वो कंप्लीट करना है और कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्टार्टिंग से हमें सेंटेंस लेना है. तो जैसे यहाँ पर हाउ हैप्पी,
उसके बाद सेंटेंस आपको कंप्लीट हो जाता है, फिर स्टार्टिंग रखे द डे ऑफ स्कूल वेयर, और लास्ट में हमें ऑलवेज क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पर वेयर आया, आगे के सेंटेंस को वॉज आया, उसके आगे के सेंटेंस में आर आया। ओके, तो हमें सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो व्हाट और हाउ से करनी है। उसके बाद क्या लेना है, तो सेंटेंस में अगर वेरी रियली इंडीड वर्ड दिया है वो निकल जाए, उसके बाद जो वर्ड है वो हमें क्या करना है, हाउ और व्हाट के बाद लगा देना है, और उसके बाद वो सेंटेंस एंड तक लिख देना है। उसके बाद स्टार्टिंग से जहाँ तक, जैसे यहाँ पर वेरी तक आ गया, तो वो देखा वेरी तक पूरा सेंटेंस हमें क्या करना है, वही का वही लिख देना, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन कर देनी है। ओके, तो रिपीट करता हूँ कि द डे ऑफ स्कूल वेयर वेरी हैप्पी, तो आंसर हुआ हाउ हैप्पी द डे ऑफ स्कूल वेयर। नेक्स्ट है, द ताजमहल इज रियली अ मार्वेलस मोन्यूमेंट, और दिया है आर्टिकल, आर्टिकल ए दे दिया है, तो हमें शुरुआत किससे करनी है, व्हाट से करनी है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है कि द ताजमहल इज रियली अ मार्वेलस मोन्यूमेंट्स, तो आंसर देना है व्हाट अ मार्वेलस मोन्यूमेंट, व्हाट फिर मेरे बोला रियली जो वर्ड दिया उसके आगे से, तो व्हाट अ मार्वेलस मोन्यूमेंट पूरा लिख देना है। अभी शुरुआत करनी है आगे से कि व्हाट अ मार्वेलस मोन्यूमेंट द ताजमहल इज, रियली तक लेना है, रियली नहीं लेना है, रियली तक लेना है, और लास्ट में करना है एक्सक्लेमेटरी साइन जो आगे सिखाया। सेम थिंग के व्हाट अ मार्वेलस मोन्यूमेंट द ताजमहल इज, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, सचिन इज अ वेरी क्लेवर बैट्समैन। यहाँ पर देखो आर्टिकल ए दिया है, तो यानी व्हाट से शुरुआत होगी, तो व्हाट अ वेरी वर्ड निकल जाएगा, व्हाट अ क्लेवर बैट्समैन पूरा लिख दिया, एंड सेंटेंस हो गया। अभी क्या करना है आगे से, सचिन इज, ओके, व्हाट अ क्लेवर बैट्समैन सचिन इज। ओके फ्रेंड्स, तो हमें हर एक सेंटेंस को ध्यान से देखना है कि सेंटेंस में सबसे पहले आर्टिकल ए और एन दिया है। ओके, यहाँ पर मैंने 5 सेंटेंस कंप्लीट कराए, फिर से एक बार 5 सेंटेंस में रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे 6 to 10 की ओर बढ़ता हूँ। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि द फिल्म्स ऑफ वी शांताराम आर वेरी एन्जॉयबल, तो ये सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव को हमें एक्सक्लेमेटरी में टर्न करना है। जब भी सेंटेंस को असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में टर्न करना है तो सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगी, हाउ और व्हाट से होगी। ओके, दो तो आर्टिकल अगर नहीं है तो हाउ से, आर्टिकल दिया है तो व्हाट से, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं है तो शुरुआत किससे हुई, हाउ। ओके, हाउ के बाद क्या लिखेंगे, तो सेंटेंस में वेरी रियली और इंडीड वर्ड देखने का, जहाँ से है वो वेरी रियली इंडीड वर्ड कट हो जाएगा, उसके बाद जो वर्ड दिया है वो लिख देंगे, तो हाउ एन्जॉयबल। यहाँ सेंटेंस एंड तक लिखने का, जब एंड हो जाए उसके बाद हमें स्टार्टिंग से फिर से लिखना स्टार्ट करना है, और कहाँ तक, जहाँ वेरी रियली आता है वहाँ तक, तो हाउ एन्जॉयबल, फिर आगे से द फिल्म्स ऑफ वी शांताराम आर, और लास्ट में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन करना है। सी द नेक्स्ट वन, इट वॉज इंडीड अ ग्लोरियस मैच, तो व्हाट अ ग्लोरियस मैच इट वॉज। नेक्स्ट है, द डेज ऑफ स्कूल वेयर वेरी हैप्पी, तो हाउ हैप्पी द डे ऑफ स्कूल वेयर। नेक्स्ट, द ताजमहल इज रियली अ मार्वेलस मोन्यूमेंट, तो व्हाट अ मार्वेलस मोन्यूमेंट द ताजमहल इज। नेक्स्ट, सचिन इज अ वेरी क्लेवर बैट्समैन, तो आर्टिकल दिया है, तो व्हाट अ क्लेवर बैट्समैन सचिन इज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, 6 to 10। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि आई विश आई हैड एन एक्सीलेंट हाउस टू लीव इन। ये जो सेंटेंस है अलग है, जैसे यहाँ पर आई विश दिया है, तो जहाँ पर ऐसे सेंटेंस दिया है कि आई विश, तो उसमें आई विश की जगह आ जाएगा ओ दैट, बाकी वही का वही सेंटेंस, उसमें और कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो आई विश जहाँ पर दिया है तो आई विश की जगह क्या हो जाएगा, ओ दैट, और उसके बाद वही कोई, जैसे कि आई विश आई हैड एन एक्सीलेंट हाउस टू लीव इन, तो आंसर होगा ओ दैट आई हैड एन एक्सीलेंट हाउस टू लिव इन। ओके, आई विश की जगह हमने क्या लिखा, ओनली ओ दैट, और कोई चेंजेस नहीं, बाकी
आई विश की जगह ओ देट लिख कर पूरा जो सेंटेंस है वही का वही लिख देना है, और लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी साइन रख देनी है। ओके फिर से रिपीट करता हूँ कि आई विश वाला सेंटेंस कहीं पर भी दिया है तो आई विश की जगह क्या करना है, ओ देट लिखना है, पूरा सेंटेंस वही का वही, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन कर देना है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इट इज़ वेरी शेमफुल दैट अ सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ बुलेट। ये भी सेंटेंस अलग है, ऐसे जो सेंटेंस आते हैं कि इट इज़ वेरी शेमफुल, इट इज़ अ वेरी सरप्राइज, ओके इट इज़ वेरी अकस्टम्ड, ओके ये जो वर्ड्स है ओके खास करके आपको शेमफुल और सरप्राइज वाले सेंटेंस आएंगे कि इट इज़ वेरी शेमफुल या इट इज़ वेरी सरप्राइज दैट। दैट के बाद दिया होगा सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ बुलेट, अ टीचर शुड बी अफ्रेड ऑफ टीचिंग, ओके अ पोलिस शुड बी अफ्रेड ऑफ थीव्स, ऐसे ऐसे सेंटेंस दिए होंगे। तो ऐसे सेंटेंस हमें क्या करना है, आंसर होगा अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ अ बुलेट, बस इतना ही करना है, और लास्ट में क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन करना है, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ बुलेट, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ बुलेट, बस इतना करोगे यानी आपका आंसर हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ कि अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ बुलेट, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके नाउ सी द नेक्स्ट वन, अ शॉपकीपर सेल्स द टॉयस वेरी क्लेवरली। ये जो शॉपकीपर है वो अपने जो टॉयस है वो बहुत ही क्लेवरली बेच रहा है। देखो यहाँ पर वेरी वर्ड दिया है, आर्टिकल नहीं दिया है, तो आर्टिकल नहीं दिया है तो किससे शुरुआत होगी, हाउ से, वेरी वर्ड के बाद क्लेवरली, तो हाउ क्लेवरली द शॉपकीपर सेल्स द टॉयस, हाउ क्लेवरली द शॉपकीपर सेल्स द टॉयस, और एक्सक्लेमेटरी साइन। नेक्स्ट है दिनेश भाई स्माइल्स रियली होल हार्टेडली, तो यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं दिया है तो हाउ और रियली निकल जाएगा, उसके बाद होल हार्टेडली, तो हाउ होल हार्टेडली दिनेश भाई स्माइल्स। ओके नेक्स्ट है कि इंग्लिश इज रियली अ वंडरफुल लैंग्वेज, आर्टिकल ए दिया है तो व्हाट से शुरुआत हुई, तो व्हाट अ वंडरफुल लैंग्वेज इंग्लिश इज, ये रियली वर्ड निकल जाएगा। ओके तो व्हाट अ वंडरफुल लैंग्वेज इंग्लिश इज, और एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका 10 सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अभी मैं 6 to 10 एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो देखिए कि 6 वाला सेंटेंस है आई विश आई हैड एन एक्सीलेंट हाउस टू लिव इन। अगर आई विश वाले कोई भी सेंटेंस आते हैं उसको अगर एक्सक्लेमेटरी में टर्न करना है तो हमें आई विश की जगह क्या लिखना है, ओ धेट लगाना है, ओ धेट लगा के बाकी का सेंटेंस वाई का वही लिख देना है। तो ओ धेट आई हैड एन एक्सीलेंट हाउस टू लिव इन। नेक्स्ट हमारा कि इट इज़ वेरी शेमफुल दैट द सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ बुलेट। तो ऐसे जो सेंटेंस है इट इज़ वेरी शेमफुल दैट, इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग दैट, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसमें जो सेंटेंस है जैसे आएंगे, जैसे सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ बुलेट, अ टीचर शुड बी अफ्रेड ऑफ टीचिंग, ओके तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसमें आएगा आंसर अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ बुलेट। क्या लिखना है, अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ बुलेट, और एक्सक्लेमेटरी साइन कर देनी है। ओके नेक्स्ट है द शॉपकीपर सेल्स द टॉयस वेरी क्लेवरली, द शॉपकीपर सेल्स द टॉयस वेरी क्लेवरली, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं दिया है तो हाउ से स्टार्ट होगा कि हाउ क्लेवरली द शॉपकीपर सेल्स द टॉयस। नेक्स्ट है दिनेश भाई स्माइल्स रियली होल हार्टेडली, तो आंसर है हाउ होल हार्टेडली, क्योंकि आर्टिकल नहीं दिया है तो हाउ से शुरुआत हुई, तो हाउ होल हार्टेडली दिनेश भाई स्माइल्स। और लास्ट वन इंग्लिश इज रियली वंडरफुल लैंग्वेज, ओके तो इसमें आर्टिकल दिया है तो शुरुआत व्हाट से होगी, तो व्हाट अ वंडरफुल लैंग्वेज इंग्लिश इज, ओके व्हाट अ वंडरफुल लैंग्वेज इंग्लिश इज। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो मैंने आपको सेंटेंस करवाए असर टू एक्सक्लेमेटरी, अभी आपका जो आगे है एक्सक्लेमेटरी टू असर सेंटेंस वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो मैंने सेंटेंस करा है आपको असर टू एक्सक्लेमेटरी आपको पता चल गया होगा,
और इसके बाद आपको एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।